नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुर्गा पार्क के रामलीला मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां 9 दिनों की राम कथा का आयोजन होगा और इसका आगाज़ हो चुका है। पूरी तैयारियां आप देख सकते हैं, पूरा पंडाल सज चुका है और आज जो यहां के आयोजक हैं उन्होंने कलश यात्रा निकाली है। ज्वाला देवी से ज्योत यहाँ मंगाई गई है और आज से रामकथा का आयोजन होगा। कुछ लोग मेरे साथ, आयोजककर्ता मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रधान हैं पुष्पा, इनसे बात करते हैं। मैडम, ये जो कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे यह है कि हमारे जो देश के अंदर ये भगवान राम का जो चर्चा चली आई है, राम मंदिर बनना, इसी उपलब्ध में हम लोग हर साल यहाँ राम कथा करते हैं और हर बार हर साल इसमें रामलीला होती है। यह हमारे बहुत 20-25 साल पुरानी रामलीला कमेटी है और यह हमेशा रामलीला होती है। इसीलिए लोगों को जागृत करने के लिए कि भगवान के चरणों में शीश झुकाएं और अच्छी ज्ञान की बातें सीखें, इसलिए हमने ये किया। कोरोना टाइम में 3 साल से कोई भी यहाँ कार्य नहीं हुआ, इसलिए इस बार हमने ये रामलीला भी नहीं हुई थी, इसीलिए हमने ये कथा का आयोजन किया है। पंडित जी क्या कहेंगे, व्यास कहाँ से आए हैं और क्या संदेश आज के युवाओं को आप लोग देना चाह रहे हैं? मैं तो कहूँगा जी, आप प्यार से रहो, प्रेम से रहो, प्रभु की शरण में रहो, प्रभु की भक्ति में रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा ही सुनो, यही मेरे साथ। सुरेश बिहारी मेरे साथ हैं, निर्दलीय से चुनाव भी इन्होंने लड़ा था और मैं आज इनसे पूछूंगा कि आप यहाँ नेता के तौर पर आए हैं या सेवादार के रूप में आए हैं? सर नहीं सर, मेरी तो देखिए पानी की मशीन है और चरण पादुका की सेवा मेरी कल से ही यही है। मैं लगातार सन 86 से 9 दिन आपने वहाँ भी गए थे नसीरपुर ग्राउंड में, मैंने चप्पल जूता की सेवा करा। हमें कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, नहीं है, हमने 24 घंटे सेवा करना और भंडारे में पत्तल उठाना है। आयोजककर्ता सोनू है, सोनू यहाँ पर कोई राजनीति का बैनर नहीं दिख रहा है, किसी नेता की फोटो नहीं दिख रही है, तो अमूमन दिखाई देती है यहाँ इस मैदान में जब कोई कार्यक्रम होता है, तो इस बार क्या वजह है? देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये भगवान का मंच है, यहाँ भगवान के मंच पे ये सबके लिए है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, यहाँ पे भगवान के चरणों में सब एक बराबर है। इसमें कांग्रेस पार्टी के भी, बीजेपी के भी, आम आदमी के भी, यहाँ पे सबका स्वागत किया जाएगा। ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है और अब हम आगे से कभी इसको राजनीतिक मंच होने भी नहीं देंगे। भगवान का मंच है, भगवान के चरणों में आइए, सर झुकाइए, यहाँ पर सब पार्टियों का, सब नेताओं का, सबका सम्मान एक बराबर रूप से किया जाएगा। देखिए हम लोग तो समाज से भी 20-25 साल से पहले से हैं, तो हम लोग तो समाज के लिए काम करते हैं, हमें कोई इसमें पार्टी नहीं देखते हम, कांग्रेस, आम आदमी या कांग्रेस, हम समाज का सेवा में हमेशा जुड़े रहते हैं और आगे भी ऐसे जुड़ के काम करते ही रहेंगे और हर वक्त हर आदमी के साथ, हर धर्म के साथ, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर समाज के साथ मैं मिलजुल के काम करता हूँ। इसलिए हमारा रोल हमेशा समाज सेवी का होता है, इसलिए हम इस रामकथा में साथ हैं। देखिए कलश यात्रा पहुँच चुकी है, पूरा लोग आस्था में खोए हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। ये देखिए ये तमाम आयोजककर्ता हैं जो इस कलश यात्रा में पहुँचे हैं और भगवान राम की लीला का मंचन या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किस तरह से जीवन जिया था, दुनिया को क्या संदेश दिया था, क्या कुछ अच्छे कार्य किए थे, वो सब कुछ यहाँ 9 दिनों तक लोगों को बताए जाएंगे और उद्देश्य ये है कि जन जन तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो कार्य किए वो चीज़ जन जन तक पहुँचनी चाहिए और एक सकारात्मक संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।